जो पिछले बार का नतीजा था उसमें हिमाद्री सिंह 4 लाख वोटों से जीते थे और तकनीकी कारणों से उनका चौपर वहाँ ओढ़ नहीं पाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी वहाँ मौजूद है। तो उस हिसाब से जो है ना, वो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए कोई बहुत ज्यादा संभावना है। नमस्कार, एबीपी लाइव पर आपका स्वागत है। एबीपी लाइव की चुनावी एग्जिट पोल में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की शहडोल सीट की। शहडोल सीट जो है आदिवासियों के लिए रिजर्व है और यहाँ से अभी बीजेपी की हिमाद्री सिंह सांसद है। पार्टी ने एक बार फिर हिमाद्री सिंह पर विश्वास जताया, उन्हें एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा हिमाद्री सिंह के मुकाबले। कांग्रेस ने अपने विधायक फुंदेलाल मार्को को चुनाव में मतलब टिकट दी है। तो जो कांग्रेस ने जिन सीटों पर अपने विधायकों को उतारा उसमें से शहडोल सीट भी एक। शहडोल सीट का राजनीतिक गणित क्या कहता है? लोकसभा चुनाव 2024 के हिसाब से मतदान हो चुका है यहाँ पर पहले चरण के दौरान 19 अप्रैल को, अब नतीजे 4 जून को आएंगे। तो शहडोल का एग्जिट पोल क्या कहता है? शहडोल में चुनाव के क्या मुद्दे थे? बेसिकली आदिवासियों की सीट है, आदिवासी वोटर यहाँ पर ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आदिवासी वोटर कांग्रेस के साथ जाता है, कांग्रेस के साथ होता है, लेकिन फिर भी यहाँ लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है। और इस बार पार्टी ने एक मतलब साधारण कार्यकर्ता फुंदेलाल मार्को को जो विधायक उनको मैदान में उतारा है हिमाद्री सिंह के खिलाफ, तो क्या एक बार हिमाद्री सिंह फिर संसद में पहुंचेंगी या फुंदेलाल मार्को किस्मत खुलेगी? हम इस पर अपनी जो एग्जिट पोल पे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पैनलिस्ट विप्लव अग्रवाल, जनपद के प्रधान संपादक, अरविंद बिंजोलकर सीनियर जर्नलिस्ट, और रवीन दुबे नई दुनिया के पूर्व संपादक। तो हम सबसे पहले विप्लव जी से शुरू करते हैं। विप्लव जी बताइए, शहडोल सीट मुख्यतः आदिवासी के लिए रिजर्व है, तो यहाँ चुनाव के क्या ऐसे मुद्दे हैं जो प्रभाव डालते हुए दिख रहे हैं आपको, और किसकी संभावना है आपको दिख रही ज्यादा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो आदिवासी रिजर्व सीट है, यहाँ पे 45% लगभग आदिवासी वोटर हैं, 30% ओबीसी हैं, तो आदिवासी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और आपने पूछा किसकी संभावना है, तो मैं शुरुआत में कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे भाजपा का जोर है, जो वहां से खबरें आ रही, जो हमको पता चल रहा है, हिमाद्री सिंह यहाँ से उम्मीदवार है, फुंदेलाल मार्को वहां से 3 बार से विधायक, उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है अपना। वो प्रयास भी बहुत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छी कि वो लोगों तक पहुंचे, लेकिन पहुंचने के बाद जनता पर क्या असर होता है ये अभी सामने नहीं आ रहा है। हिमाद्री सिंह की जहां तक बात है तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, उनके पिताजी दलबीर सिंह 3 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, उनकी माताजी राजेश नंदिनी सिंह भी वहां से सांसद रह चुकी हैं, और हिमाद्री सिंह खुद पिछली बार 4 लाख वोटों से चुनाव जीतकर पहुंची थी संसद में, तो उनका जोर है। और दोनों एक ही पृष्ठभूमि से, मतलब आदिवासी समुदाय से दोनों प्रत्याशी आते हैं, लेकिन हिमाद्री सिंह वहां पर अभी आगे चल रही है, और कुछ ऐसी स्थिति वहां पर बनने की जो समझ में अभी आता है कि कांग्रेस से अपनी बात वहां पर पहुंचा नहीं पाई है लोगों तक ढंग से, और बात क्या करें जनता के ऊपर। राहुल गांधी ने पब्लिक मीटिंग की थी वहां पर, और उसके ऊपर भी रात रुके भी थे। हाँ, वो वहां पे रुके भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो पिछले बार का नतीजा था उसमें हिमाद्री सिंह 4 लाख वोटों से जीते थे, तो ये 4 लाख वोट अगर कुछ कांग्रेस कम भी कर पाई तो मुझे लगता है कि कितना वो मामला जो है, आंकड़ा तो लाखों में ही रहेगा, ये स्थिति बन रही है वहां। तो देखिए, विप्लव जी को लगता है कि जो शहडोल का समीकरण है, कांग्रेस वहां ठीक से अपनी बात रख नहीं पाई, अभी भी माहौल है बीजेपी के पक्ष में उनकी नजर में दिख रहा है। अरविंद जी बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी शहडोल को काफी तवज्जो दी थी विधानसभा चुनाव के दौरान, एक बड़ा भारी कार्यक्रम आदिवासी से जुड़ा हुआ किया था, लोगों से संवाद किया था, बहुत मतलब एक वृहद कार्यक्रम था, तो क्या बीजेपी को ये एहसास था कि हमको विधानसभा चुनाव के समय से ही कि ये जो आदिवासी इलाका यहाँ कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसने अपने सबसे बड़े लीडर को वहां पर उतार दिया, और उसका क्या इम्पैक्ट आप इस चुनाव में देखते हैं? नहीं, वो जो नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम हुआ था वो लोकसभा चुनाव से काफी पहले हुआ था, इनफैक्ट विधानसभा चुनाव के भी पहले हुआ था। शहडोल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो काफी फुटबॉल खेलती हैं और राष्ट्रीय टीम में भी उनका काफी प्रतिनिधित्व है, तो वो सब खिलाड़ियों से मिलने के लिए, और इस तरह से जिस हिसाब से भी प्रधानमंत्री मोदी ने श्री अन्न को बढ़ावा दिया है और
शहडोल जो है वो प्योर आदिवासी सीट है, वहाँ पे काफी इस तरह का श्री अन्न का उत्पादन भी होता है, तो उन सबको बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया था। और वो जब किया था, वो जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी थी उसके बाद किया था, तो वो केवल शहडोल के आदिवासी मतदाताओं को नहीं साध रहे थे, वो पूरे देश के आदिवासी मतदाताओं को साध रहे थे, वो इस हिसाब से वो प्रोग्राम किया गया। घोषणा भी राष्ट्रपति ने वही कराई थी। हाँ, वो सारी चीजें जो थी वो वहां पर ही हुई थी। लेकिन उसके अलावा भी भाजपा ने जो है वो काफी काम किया है, विकास का बहुत काम किया है शहडोल में। और जो कैंडिडेट हैं हिमाद्री सिंह, वो भी पिछले दो बार से वहाँ लोकसभा सांसद हैं, दो बार से लोकसभा सांसद होने के बावजूद उनके खिलाफ एंटी इनकमबेंसी फैक्टर उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से उनको वहाँ पर कैंडिडेट प्लेस किया है। और जैसा आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर रुके थे, ये तो अभी लोकसभा चुनावों के कुछ दिनों पूर्व ही, मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव के आसपास ही राहुल गांधी भी वहां पर आए थे, और तकनीकी कारणों से उनका चौपर वहां उड़ नहीं पाया था, तो उनको भी वहां पर रात्रि विश्राम करना पड़ा था, तो उन्होंने भी लौटते समय वो उमरिया में महुआ बीनने वाले मजदूरों से मिले थे और फिर उनसे काफी बातचीत की थी, ढाबे में खाना खाया था, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे उस खबर की बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत दूर की मतलब जो है चिड़िया होती है जिसके ऊपर निशाना साधा जाता है, मतदाताओं के जो मन मस्तिष्क है उसके ऊपर में चीजें इतनी स्थायी नहीं रहती, वो जिस दिन बटन दबाने जाता है उस दिन उस समय जो फैक्टर एक्टिव रहते हैं उन्हीं फैक्टर्स का मुझे लगता है ज्यादा असर होता है। तो देखिए, अरविंद जी का कहना है कि बीजेपी ने वहाँ काफी मेहनत की है और उसका काफी अच्छा प्रभाव है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी किया, राहुल गांधी भी वहाँ आए थे, लेकिन अरविंद जी को लगता है कि उनके उस प्रवास से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ऐसा दिख नहीं रहा। अब हम रविंद जी बताएं कि ये जो शेड्यूल थोड़ा सा शेड्यूल सीट है वो राजनीतिक रूप से बड़ी उथल पुथल, मतलब नेताओं के आया राम गया राम का बड़ा क्या क्या किस्से कहानियां हैं वहाँ? देखिए, आजादी के बाद से वहाँ 13 चुनाव हो चुके हैं और 13 चुनाव में कुछ परिवारों के पास ही वो सीमित रहे, वो सीट रही है। देखिए, दलपत सिंह परस्ते पहले समाजवादी रहते हैं, समाजवादियों को गढ़ रहता था, आजादी के बाद से लगातार वो 71 तक कांग्रेस समाजवादियों के हाथ में रहती है। दलपत सिंह परस्ते भी वहाँ 5 बार के सांसद हैं और वो जब आखिरी बार जब उनका निधन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में थे, और पहले वो समाजवादी खेमे थे फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो जब उनका निधन होता है तो 2016 में तो वो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब 2015 में 16 में उपचुनाव होता है तो वहां से हिमाद्री सिंह से चुनाव लड़ती हैं लोकसभा का कांग्रेस से, और उनको अच्छा खासा वोट मिलता है, 38% के आसपास वोट मिलता है और बीजेपी को 44%, तो बीजेपी के ज्ञान सिंह वहां से चुनाव जीत जाते हैं। और लेकिन बाद में अचानक ऐसा होता है कि उनकी शादी भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार है नरेंद्र सिंह, जिनको इनकी मान हिमाद्री सिंह ने कांग्रेस के जब चुनाव लड़ती तो पराजित करती है नरेंद्र सिंह को, उनसे उनकी शादी तय हो जाती है। राजेश नंदिनी सिंह शर्त रखती है कि साहब आपको शादी में उनको कांग्रेस में लेके आना है, और इस शर्त के साथ शादी तय होती है, लेकिन उल्टा है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है, जो उनके पति हैं वो उनसे शादी होती है और उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी 2014 में उनको उम्मीदवारी बना देती और वो अच्छे 54% वोट मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, वहां बड़े मतों से जीतती है और कांग्रेस वहां बुरी तरह पराजित हुई। फिर 2019 में और जब बात आती है तो हिमाद्री सिंह को वहां करीबन 58% वोट मिलता है और वो 400,000 वोट से ज्यादा से जीतती है और कांग्रेस का वोट घटके 29% हो जाता है। देखिए, यहाँ हिमाद्री सिंह और जो उनके पिताजी हैं दलवीर सिंह, राजेश नंदिनी, हिमाद्री सिंह, नरेंद्र सिंह, इसी परिवार के पास है करीबन, जो अपन देखें 3 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है और वो राजनीति उन्हीं के परिवार। अब इस परिवार के पास खिलाफ थोड़ा सा एंटी इनकमबेंसी का माहौल कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता था हिमाद्री सिंह को राजनीति से मतलब नहीं है, वो अपने परिवार से मतलब नहीं पा रही, लोगों को सुख दुख में शामिल नहीं होती है, जिस तरीके आमंत्रण बातें होती जो आम बातें होती इस बात का माहौल है। अब देखिए, इस हिसाब से वहां वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी वाकई में बहुत मजबूत है, कैडर से मजबूत है, लगातार कांग्रेस का संगठन वहां कमजोर है, वो काम नहीं कर पा रहा है, राहुल गांधी की सभा जरूर होती है, लेकिन देखिए कांग्रेस की जो बातें वो आम मतदाता तक पहुंच नहीं पा रही है, आम मतदाताओं को घरों से जो उनका वोटर उसको निकाल नहीं पा रही, ये सबसे बड़ी बात। तो चुनाव में क्या होगा ये देखने में, लीड घट जाएगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी वहां मौजूद है। हाँ, कोई चौंकाने वाला परिणाम हो जाए, जिस तरीके से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नाराज होकर माहौल बना रहा वही कर दे, कोई अप्रत्याशित हो जाए, वो अप्रत्याशित परिणाम होने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दे पर 2024 में मतदान हो रहा है उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी वहां मौजूद है। देखिए, अगर नतीजे प्रत्याशित हो जाए, कार्यकर्ता जो बीजेपी के नाराज है अगर वो काम ना कर रहा होगा तो हो सकता है कि नतीजे
अप्रत्याशित है, लेकिन रवीन जी को लगता है कि नहीं बीजेपी वहाँ मजबूत स्थिति में, हम अब एग्जिट पोल करते हैं अपना शेड्यूल सीट का, तो अगर सीधी सीधी बात करें विप्लव जी, तो आपको क्या लगता है कि 4 जून को किसकी किस्मत खुलती दिख रही है? देखिए सीधी बात यह है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे भाजपा चुनाव जीत रही है, और जो खबरें आ रही हैं, जो पता चल रहा है, वहाँ पे मोदी लहर का माहौल दिख रहा है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग सीट बन चुकी है कि वहाँ पे 1999 में छत्तीसगढ़ के गठन के पहले वहाँ से अजीत जोगी चुनाव लड़े थे, तो वो भी चुनाव हार गए थे। और पुष्पराजगढ़ विधानसभा एक पहाड़ी विधानसभा, 8 विधानसभाओं में से 7 विधानसभा उनकी मैदानी इलाके में है, और एक पुष्पराजगढ़ जो है वो पहाड़ी विधानसभा है, और एक माहौल बना हुआ है कि हमें पहाड़ी को ही जिताना है। पहाड़ी के साथ में महिला हिमाद्री सिंह पिछली बार जीती हुई चुनाव है, दोनों आदिवासी नेताओं की पकड़ अच्छी है, लेकिन बात वही सामने आ जाती है कि संगठन की स्थिति जो है दोनों पार्टियों की में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा का संगठन बहुत बेहतर काम कर रहा है, पिछले बार की बढ़त इनके साथ बहुत अच्छी है, राष्ट्रीय मुद्दे जो है वहां पे शेड्यूल में उभर के सामने आए हैं और क्लियर दिख रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हिमाद्री सिंह बहुत आसानी से बहुत अच्छे अंतर से वहां पर चुनाव जीतेंगे। मतलब आप हिमाद्री सिंह पे बैठ कर रहे हैं? जी हाँ, वो चीज जीतेंगी चुनाव। तो देखिए विप्लव जी को लगता है कि हिमाद्री सिंह एक बार फिर से सांसद चुनी जाएंगी शेड्यूल से। अरविंद जी से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि शेड्यूल सीट पे जो 4 जून को नतीजे आएंगे तो वोटर किसके साथ जाता दिख रहा है? मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, 2019 के चुनाव में हिमाद्री सिंह को वोट मिले थे तकरीबन 65% और वहाँ कांग्रेस के वोट थे तकरीबन 27-28%, तो ये डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी अभी जो कि दिख भी नहीं रही है, अगर वो हो भी उसके बावजूद भी ये गैप को जो है वो पार्ट करके और फिर जो उस थ्रेशोल्ड को पार करने के बाद फिर जीत का मार्जिन लेकर के आना वो बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है, तो उस हिसाब से जो है ना वो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए कोई बहुत ज़्यादा संभावना है। और कांग्रेस ने जो कैंडिडेट भी फील्ड किया है, कांग्रेस के सामने चुनाव लोकसभा चुनावों के समय में बड़ी अजीब सी स्थिति रही है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं थे। ये जो कैंडिडेट हैं फोंदेलाल मार्को, ये भी पुष्पराजगढ़ से विधायक हैं, तो वो ही विधायकों को उठा के फिर लोकसभा चुनाव में लड़वा देना, तो फिर पब्लिक पूछती कि भैया इनको विधायक का चुनाव हमने क्यों जिताया था, जब इनको लोकसभा भी इन्हीं को लड़ना था तो फिर इनको विधायक का चुनाव क्यों जितवाया? राजनीति में इस तरह के जुए तो खेले जाते हैं। हाँ, खेले जाते हैं, जीतने वाले लोग अगर ऐसे दांव लगाए तो उसको जो है वो बड़ा दांव माना जाता है, और हारने वाले पक्ष दांव लगाए तो उसके ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, यही जो है वो रीत है। क्या कह रहा है 4 जून के लिए शेड्यूल सीट पर? नहीं, कोई मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कोई मतलब जो है वो विवाद या कुछ इस तरह की डिबेट की स्थिति है। मुझे लगता है हिमाद्री सिंह तमाम फैक्टरों के बावजूद जो है वो चुनाव जीत जाएंगे। तो देखिए हमारे दूसरे पैनल अरविंद जी भी हिमाद्री सिंह के साथ ही जाते दिख रहे हैं। रवीन जी से पूछते हैं कि रवीन जी ये बताइए कि जिस तरह का पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ 2019 में भी बहुत चमत्कार नहीं किया था कांग्रेस ने, केवल एक सीट जीत पाई थी, परिस्थितियां इस बार भी कमोबेश बहुत कांग्रेस में सुधार नहीं हुआ। ये सच बात है कि कांग्रेस से लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, बहुत से बड़े बड़े दिग्गज नेता भाग रहे थे। इन परिस्थितियों में फोंदेलाल मार्को क्या कोई चमत्कार करते दिख रहे हैं आपको, या आप भी हिमाद्री सिंह के साथ ही जाते दिख रहे हैं? नहीं, जो परिस्थितियां है, हिमाद्री सिंह का कैंडिडेट का हुआ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में सिंबल के चुनाव हो रहे हैं। अभी देखिए वो जो कर रहे हैं वो सिंबल के नाम पे कर रहे हैं, इसलिए चाहे वो नरेंद्र मोदी करें तो मास्टर स्ट्रोक है, अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे तो वो भी मास्टर स्ट्रोक था, तो कैडर की बात है, सिंबल का चुनाव है और सिंबल चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ ये बात लोग जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय हो रहा था, अडवाणी जी के समय भी ये जीत सीटें जीत रही थी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन कांग्रेस प्रयोग करे तो साहब गलत प्रयोग कर दिए, कहने की बात है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, उसका कैडर है और उसने वहाँ काम किया, उसकी वजह से वो जीत रहे हैं, और एक वोट का विचारधारा का वोट उन्होंने तय कर लिया। कांग्रेस से जाने के बाद हिमाद्री सिंह का वोट प्रतिशत जो भारतीय जनता पार्टी उनके जीत की लीड लगातार बढ़ती जा रही है, ये सबको सोचना चाहिए कि वहाँ का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा ना हिमाद्री सिंह, वहाँ निकल मार्को साहब चले जाएंगे वहाँ का भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता उनको टिकट दे देगी तो वो भी इतनी वोटों से जीतेंगे। तो आप भी मतलब बीजेपी के बैट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शेड्यूल सीट में कोई संभावना है? तो देखिए हमारे तीनों पैनलिस्ट जो है साफ साफ कह रहे हैं कि शेड्यूल सीट पर कांग्रेस के लिए फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही, और बीजेपी की हिमाद्री सिंह फिर से एक बार चुनाव जीतती हुई इनको दिख रही है और संसद में पहुंच रही है, तो शहडोल की जनता के विकास का जो दायित्व तो है वो बीजेपी की हिमाद्री सिंह के सर पर ही होगा। 4 जून को नतीजे जब आएंगे तो कमल निशान जो पार्टी जो सिंबल है, जो बीजेपी
लगातार कह रही कि आप कैंडिडेट देखने की बजाय सिंबल देखिए, मोदी जी को देखिए, उनकी गारंटी को देखिए, तो वहां का वोटर शेड्यूल का हमारी पैनलिस्ट की राय में इन इन बीजेपी के इन चीजों पर प्रभावित होता नजर आ रहा है और नतीजे जो है शेड्यूल में बीजेपी के पक्ष में आ सकते हैं।